बागपत जिले में अपराधियों के अपराध रुकने का नहीं ले रहा नाम। ताजा मामला बागपत कोतवाली इलाके का है, जहां गन्ने के खेत में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताते चले, मामला कोतवाली बागपत इलाके का है, जहां पर मितली गांव के गन्ने में खेत में आज सुबह अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जहां पर शरीर पर चोट लगे हुए निशान दिखाई गए हैं। सूचना पाकर गांव के लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचे अज्ञात शव को शिनाख्त करवाने के प्रयास में जुटी हुई है। युवक के जेब से आपको पता चले कि उसका आधार कार्ड मिला है। उसकी पहचान दिल्ली के कंगन हैरी गाँव छवाला कबा मोहल्ले 60 वर्षीय कृष्ण कुमार के रूप में की गई है। बाद में पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राइम वीकेंड न्यूज़ आने के लिए वीरेंद्र तोमर की खास रिपोर्ट। बागपत के अंतर्गत गांव मितली है, वहां पर गन्ने के खेत में करीब 30 साल के युवक का शव मिला है, जिसके सर पे चोट के निशान है। किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, भारी वस्तु से उसके सर पे मारा गया है। उस मृतक के जेब से उसका आधार कार्ड मिला है, जिसमें वो कृष्ण कुमार कृष्णपाल लाखड़ा करके है। उसका पता दिल्ली का दिया गया, दक्षिणी साउथ दिल्ली का है। तो अभी उसके घर वालों से कांटेक्ट तो नहीं हो पाया है, मगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके घर वालों से कांटेक्ट हो जाए, जिससे वो हो जाए। लेकिन शिनाख्त उसकी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि उसको कहीं अन्य से घटनाकारित करके ले आकर के वहाँ पर डाला गया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ब्लड वगैरह नहीं है। तो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी की जो कार्रवाई है वैधानिक वो कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को